I'm Dr. Anubhav Sangwan. I'm a laser and laparoscopic surgeon in Apollo Group of Hospitals. So, आज जो हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल डिजीज है जिसको फिमोसिस कहते हैं और भी कई नामों से लोग जानते हैं जैसे बेलेनोपोस्थाइटिस, बेलेनाइटिस. सो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे क्या डिफरेंस होता है फिमोसिस, बेलेनोपोस्थाइटिस एंड बेलेनाइटिस में एंड व्हाट आर द फैक्टर्स which leads to phimosis or balanoposthitis and what are the symptoms and complications we found in patients with phimosis or balanoposthitis and what is the treatment options, what is the management of phimosis. So first of all, what is the difference between phimosis and balanoposthitis? सबसे पहले हम देखते हैं phimosis की definition क्या होती है. Phimosis is defined as the tightness of your foreskin which leads to difficulty in retraction or in few cases micturition. Like आपकी जो foreskin है penis के ऊपर वो इतनी tight हो जाती है कि उसको हम पीछे pull back नहीं कर पाते, जिस कारण से sexual activity में परेशानी होती है और अगर बहुत ज़्यादा होती है तो आपको micturition में, पेशाब करने में भी दिक्कत होती है. This is phimosis. Balanoposthitis होता है जब फिमोसिस के कारण या फिर किसी और कारण से आपकी फोर स्किन में या ग्लांस में इन्फेक्शन हो जाती है और रेड रेड स्पॉट होने लगते हैं या वाइट स्पॉट होने लगते हैं. सोजन के कारण पूरा ग्लांस रेड हो जाता है, आपको बहुत जलन होती है, पेन होता है. तो किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो बट मोस्टली वो कारण फिमोसिस होता है और किसी कारण से हुई है तो फिमोसिस उस चीज़ को बढ़ा देता है, उसको बेलेनाइटिस या बेलेनोपोस्थाइटिस कहते हैं. नाउ कम्स टू द फैक्टर्स व्हिच कॉज फिमोसिस. तो फिमोसिस को हमने समझा, उसकी डेफिनेशन समझी. तो इसमें मेनली जो फोर स्किन होती है उसका जो सारा फंक्शन होता है वो उसकी इलास्टिसिटी के अराउंड रिवॉल्व करता है कि वो कितनी इलास्टिक है, कितना ईजिली पीछे जा सकती है और वह वापस आके कवर कर सकती है ग्लांस को. जब ये इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है तब वो एक डिजीज स्किन होती है और उस डिजीज को फिमोसिस कहते हैं. इसकी चार ग्रेड होती हैं. ग्रेड वन में वो इतना इनइलास्टिक होती है, वो जो अपर्चर होता है स्किन के ऊपर वो बिल्कुल बंद हो जाता है, सो आप मिक्चुरेट, पेशाब भी नहीं कर पाते हैं. तो दैट इज ग्रेड वन फिमोसिस. ग्रेड टू फिमोसिस में वो जो उसका अपर्चर है, वो जो छेद है, वो इतना होता है कि पेशाब का रास्ता खुला रहता है लेकिन वो पीछे बिल्कुल भी नहीं होता, इलास्टिसिटी जीरो होती है. ग्रेड थ्री में वो थोड़ा सा इलास्टिक होता है, वो 1-2 mm और 1-2 cm पीछे हो जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाता. एंड ग्रेड फोर में वो पूरा पीछे हो जाता है बट फ्लैसिड कंडीशन में, अगर इरेक्शन है तो वो पीछे नहीं हो पाता पूरी तरह. सो चारों ही ग्रेड्स में आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में तो परेशानी आएगी ही. ग्रेड वन और टू में पेशाब में भी जलन हो सकती है और पेशाब करने में भी दिक्कत होती है. तो अगर ये सब हो रहा है आपके साथ या और भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं पेनाइल स्किन को लेके, तो यू कैन फील फ्री टू विजिट हियर इन अपोलो गुड़गांव. नाउ कम्स टू द फैक्टर्स विच कोज फिमोसिस. फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला है कि कोई इंजरी होगी आपकी फोर स्किन में, कोई चोट लग गई किसी भी कारण से लग गई, बी इट सेक्सुअल एक्टिविटी, बी इट सम अदर फॉरेन बॉडी हिटेड योर फोर स्किन, कोई स्टैब इंजरी होगी, कुछ भी होगा. तो जब भी वो इंजरी हील होती है तो कोई भी इंजरी अपनी बॉडी में हील होती है तो वहाँ से स्कारिंग हो जाती है स्किन की और स्कारिंग लीड्स टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड दैट विच फर्दर लीड्स टू फिमोसिस. तो एनी इंजरी टू योर फोर स्किन. सेकेंड इज बाय बर्थ होता है फिमोसिस, बहुत लोगों में बाय बर्थ होता है लेकिन वो ग्रेड 2-3 के फिमोसिस होते हैं तो मैच्योरेशन में इशू नहीं आता है. ग्रेड वन का होता है तो हमें बचपन से पता चल जाता है कि हाँ इनको फिमोसिस है, वी नीड ट्रीटमेंट. और ग्रेड 2-3 हमें प्यूबर्टी के पास जब हमें सेक्शुअली एक्टिव हो जाते हैं तब पता चलता है. तो सेक्स करने में, मास्टरबेशन में आपको इशूज आते हैं या बार बार आपको इंजरीज होती हैं तो बाय बर्थ हो सकता है. थर्ड इज एनी स्किन डिजीज, एग्जाम्पल लाइकेन स्क्लेरोसिस. ऐसी बहुत सी स्किन डिजीज है जो आपकी स्किन को स्कार्ड या चार्ड कर देते हैं, सो उसके कारण भी इलास्टिसिटी जा सकती है. सो ऐसे कुछ कारण हैं जिनसे फिमोसिस होता है.
नाउ कम्स टू द कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स ऑफ फिमोसिस। अगर आपकी स्किन रिट्रैक्ट बैक नहीं हो पा रही तो बहुत फ्रिक्वेंटली इंजरीज होंगी आपको और बहुत फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन होगी विच इज नोन एज बेलेनोपोस्टाइटिस। दैट्स वाई ये दोनों टर्म्स एक साथ दी जाते हैं, बिकॉज 90% फिमोसिस के कारण बेलेनोपोस्टाइटिस हो जाता है अगर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रेड 2 और 3 के फिमोसिस पाए जाते हैं। ग्रेड 4 में भी बहुत फ्रिक्वेंटली बेलेनोपोस्टाइटिस होता है एंड इट मे लीड्स टू ब्लीडिंग, इट मे लीड्स टू इंजरी टू योर ग्लांस। सो जब भी रिट्रैक्शन नहीं हो पाएगी तो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंजरीज हम फेस करते हैं और इट लीड्स टू कलेक्शन ऑफ वाइटिश डिस्चार्ज बिटवीन योर फोर स्किन एंड ग्लैंड्स, विच फर्दर लीड्स टू फॉल स्मेलिंग ओवर योर पेनिस। आप चाहे कितना ही क्लीन कर लें फिर भी वो एक फॉल स्मेलिंग सी रहती है। तो ये सब सिम्टम्स अगर आप आ रहे हैं तो मतलब आप फिमोसिस से सफ़र कर रहे हैं। नाउ कम्स टू द मैनेजमेंट पार्ट। फिमोसिस का जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स कितने सीवियर हैं, आपकी ग्रेड क्या है फिमोसिस की। अगर ग्रेड 1 है तो यू लेफ्ट विद ओनली 1 ट्रीटमेंट ऑप्शन, दैट इज सर्जिकल इंटरवेंशन, दैट इज कम्प्लीट सर्कमसीजन। नाउ कम्स टू द ग्रेड 2 एंड 3। आइडियली ग्रेड 2 एंड 3 यू शुड गो फॉर कम्प्लीट सर्कमसीजन, बट आजकल पेशेंट्स प्रेफर करते हैं कि एंड वो फेस भी करते हैं कम्प्लीट सर्कमसीजन के बाद थोड़ी सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स आती हैं ग्लैंड्स पे, तो दे प्रेफर पार्शियल सर्कमसीजन। सो देयर इज वन मोर अल्टरनेटिव फॉर कम्प्लीट सर्कमसीजन, वी कैन डू गो फॉर पार्शियल सर्कमसीजन। नाउ कम्स टू ग्रेड 4। अगर ग्रेड 4 है जिसमें फ्लैसिड कंडीशन में पीछे जा रहा है बट इरेक्शन के दौरान वो पीछे नहीं जा रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। मे बी आपका जो फ्रेनुलम वो अटैचमेंट होती है फोर स्किन की ग्लैंड से या पीनिस से जो उसको होल्ड करके रखती है फोरस्किन को, तो कई बार वो अटैचमेंट हायर होती है इसलिए वापस नहीं जा रहा होता है, तो उसमें सिर्फ फ्रेनुलोब्लास्टेज है ना। या फिर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, लाइक सेक्सुअली आप इनएक्टिव हो गए हैं, लेट्स से 60-70 ईयर्स, तब आपको इश्यूज आ रहे हैं मे बी मैच्योरेशन में, मे बी सेक्सुअल एक्टिविटी में भी ऐसे ही इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही है, बेलेनोपोस्टाइटिस ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम आपका पार्शियल सर्कमसीजन कर सकते हैं या फिर सिर्फ डोर्सल स्लिटिंग कर सकते हैं। डोर्सल स्लिट यूजुअली इमरजेंसी सर्जरी, इट्स नॉट अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर फिमोसिस, बट अगर आप को हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, लेट्स स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, आपको कोई और कोमॉर्बिडिटी है, कार्डिक इश्यूज है, तो बार मिनिमम कोई डैमेज कंट्रोल सर्जरी कर सकते हैं, दैट इज डोर्सल स्लिट। हम आपके फोर स्किन के पीछे एक छोटा सा कट दे देते हैं जिससे वो फैल जाती है और इजीली पीछे जा सकती है। तो ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शन अपने पास हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं बट ओनली फॉर ग्रेड 4 फिमोसिस, जब फ्रेनुलम आपकी हायरली अटैच नहीं है, या फिर बेलेनोपोस्टाइटिस में जब अर्लियर फेज में बस एक दो बार इन्फेक्शन हुई है और वो इन्फेक्शन का कारण कुछ और है, हाइजीन नहीं मेंटेन किया है ये, तभी हम मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। नहीं तो मेनली द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज सर्जिकल इंटरवेंशन, दैट मे यूजुअली कम्प्लीट सर्कमसीजन। यू मे गो फॉर पार्शियल सर्कमसीजन, मे गो फॉर फ्रेनुलोप्लास्टी और डोर्सल स्लिट। सो दैट्स ऑल फॉर फिमोसिस पार्ट। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट सर्कमसीजन। टिल देन थैंक यू।